हम करने जा रहे हैं प्रेम सिंह मलिक के बारे में सर्वे, तो जानते हैं उनके लोगों से क्या राय है प्रेम सिंह मलिक को लेकर लोगों। सर क्या नाम आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी क्या कहेंगे, मतलब जो प्रेम सिंह मलिक चुनावी दौरे में अब आने की सोच रहे हैं इस दंगल के अंदर, क्या कहेंगे सर, क्या सोचते हैं? सर हमारा भाई प्रेम सिंह मलिक समाज सेवी आदमी है और अब की बार हम भाई साहब को मौका देने की पूरी कोशिश करें, भाई को MLA बनाएंगे। बहुत अच्छे आदमी हैं प्रेम सिंह मलिक और पूरा समाज इनके साथ है जी। आप क्या कहेंगे सर? हम प्रेम जी समाज सेवी के साथ हैं, हम रहेंगे। सर आपकी क्या राय है मतलब प्रेम सिंह मलिक जी के बारे में? देखिए आज तक जितने भी हाँसी के अंदर जो राजनेता हुए हैं, पॉलिटिक्स हुए हैं, उनका अगर बैकग्राउंड चेक करें तो उन्होंने अपना समाज को कुछ देने का काम नहीं किया, केवल अपना घर बनने का काम किया है। आज हमारे पास जनता के पास एक ऐसा मौका आया है कि इतने संघर्षशील नेक इंसान हमारे बीच में, भाई प्रेम सिंह मलिक को आसी हल्के से हम भारी मतों से जिता करके यहाँ का विधायक बनाने का काम करेंगे और पूरे तन मन धन से युवाओं ने और चाहे जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं सबका आशीर्वाद, सबका प्यार आज भाई प्रेम मलिक के साथ है। क्या नाम आपका? मेरा भूपेंद्र। सर आपकी क्या राय है प्रेम सिंह मलिक जी के बारे में? प्रेम सिंह मलिक एक सामाजिक करीकले आदमी है, बहुत अच्छा काम करते हुए और सामाजिक सेविक भी है, तो उनसे तय दिल से उनके साथ। सर क्या नाम आपका, आपसे जानना चाहेंगे, आप लखनऊ में जुगल पे लग रहे हैं, एक समझदार आदमी लग रहे हैं, आप क्या कहेंगे मतलब ऐसे? मेरा नाम श्रीमान जी श्री दलीप सिंह जी है, मैं बुद्धि से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमारे हलके में एक ऐसा सुप्रसिद्ध समाज सेवी आया है जिसके 36 बिरादरी इसके साथ है और 36 बिरादरी का एक ही लक्ष्य है कि भाई प्रेम सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो जी MLA तो बहुत सारे आए हैं, सब के बारे में बताना तो एकदम उचित नहीं रहेगा क्योंकि किसी न किसी प्रकार कई तो दल बदल से संबंधित रहे हैं। हरियाणा में जैसे पहले कहते आया राम और गया राम है, लेकिन हम तो ये कहते हैं हमारा जो जनता का रुझान है, जनता का एक ही उद्देश्य है कि जनता चाहती है कि हमारे अंदर बीच के अंदर ऐसा समाज सेवी आवे जैसे प्रेम सिंह मलिक जी है, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर आगे बढ़े और जनता का इनके साथ पूरा सहयोग, तन मन धन से पूरा सहयोग है। ऐसा जनता का कहना है कि हमारे पास पहले ऐसे समाज सेवी मिले हैं जो कि बूढ़े बुजुर्ग हरेक प्रकार से तन मन धन से सहयोग करते रहे, जो किसी भी प्रकार का सहयोग किया ना हो। धन्यवाद। तो ये थे प्रेम सिंह मलिक के बारे में राय रखने वाले अलग अलग गाँव के लोग, जिनका कहना है कि वो इस बार प्रेम सिंह मलिक को अपना उम्मीदवार बना के चुनाव में उतारेंगे और उनको भारी बहुमत से विजय भी दिलाएंगे। ANT नेशनल के लिए कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ अनुराग की रिपोर्ट।